आदत से मजबूर है हम. नाउ इट्स टाइम टू गो. पहले यहाँ पे हो गया. दिस इज आवर कॉलेज और आज हम जाने वाले हैं मॉक इंटरव्यू. आज हमारा मॉक इंटरव्यू और हम जा रहे हैं मॉक इंटरव्यू में. और होता कैसे है, प्री प्लेसमेंट का दिखाने वाले कि हमें बताएंगे कैसे आपको बैठना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना. चार सौ एक फ्लोर पे. चार सौ एक. वह भाई कर दे नहीं हुआ. चार सौ एक किस कौन से फ्लोर पे. तो आज मॉक इंटरव्यू है प्लेसमेंट के लिए. प्री प्लेसमेंट लोएस्ट की भी होती है. और भाई मेरे से दो तीन लोग पूछ रहे थे लोएस्ट की कैसे प्लेसमेंट ड्राइव होती है. तो क्या कहोगे, फॉर्म्स में होती है, कॉर्पोरेट में होती है, बैंकिंग में होती है, लिटिगेशन में भी होती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. प्री प्लेसमेंट ड्राइव है मतलब कि हमें सिखाया जाएगा कैसे बैठना है, क्या बोलना है, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें. तो हमें बिल्कुल मॉक मतलब पूरी तैयारी की क्या नहीं है और उसके बाद हमारा होगा. और उससे पहली बात है ना कि आज हमें CV भी लानी थी और अपना बहुत सारा डिटेल विटेल भी लाना था. यहाँ पे सर्टिफिकेट जो हमने पार्टिसिपेट किया वो सब भी लेके आए थे और हमें सिखाएंगे. और LOR भी लेना है आज. LOR मतलब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कि हम जिस लोअर के पास इंटर्नशिप कर रहे हैं उस लोअर का रिकमेंडेशन हो कि हाँ तुम्हारे पास कर रहे हैं, उसका विजिटिंग कार्ड, ये सब लाना है. तो हम 10th सेमेस्टर में हमारा एग्ज़ाम जो लिखने वाला था ना वैसा नहीं होता, सीधे एक इंटरव्यू टाइप का, मॉक टेस्ट वायरल टाइप का, वाइवा टाइप का होता है. तो वही होता है. तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आओगे छोटा सा. और आपको कॉलेज दिखा देता हूँ आज बहुत दिन बाद. तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, चलते हैं भाई. कितना भी नहा धोवा लो, आते हो पोल्यूशन से हो जाएगा खतरा खराब. BBA वालों का चल रहा है. इससे ओपन और अब क्लोज हो गया. तो भाई ये पास वास का अभी बनवा रहा था क्योंकि इंटर्नशिप में ना पता नहीं दूर दूर जाना पड़ रहा है. तो मेट्रो का रास्ता नहीं पता, तो बस का एटलीस्ट मुझे पता रहता है. तो वहाँ से हम जा सकते हैं. तो मेट्रो के लिए इंटर्नशिप के लिए मेट्रो हो गया. अब मेरी बारी है मॉक इंटरव्यू में. तो भाई डरवर कुछ नहीं लग रहा क्योंकि मॉक इंटरव्यू देखो छोड़ के भी चले गए. भाई गंदगी कितनी फैलाते हैं. और ये मेरा रेडी हूँ बस सबमिट करने. सबसे बड़ी बात है भाई तुम्हारा भाई आई कार्ड सबके साथ रेडी हो गया. क्लिप का चल रहा है उस वाले रूम में. मैं पास के लिए गया था, फिर मुझे कॉल आया क्लिप का कि स्टार्ट हो गया, तेज़ी से हो रहा है, जल्दी आ जाओ. तो मैं आ गया. बारिश भी स्टार्ट हो गई है कॉलेज में. उसी रूम में हो रहा है क्लिप का. कहती थी जो इंटरव्यू ले रही है क्लिथा, डाक के गेट से भगा दिया कि क्लास में रहो, कोई इधर उधर झाके वाकेगा नहीं वाइवा में. और लास्ट टाइम मैंने जब कोई रेगुलरली देखता होगा ना अगर मेरे सब्सक्राइबर, तो मैंने दिखाया था हॉस्पिटल जो बन रहा है कितना स्लो चल रहा था, अभी कितना बड़ा बन गया. ये देखो भाई पूरा हॉस्पिटल बन के भी रेडी हो गया. कितने हद तक मतलब पूरा रेडी नहीं हुआ है फंक्शनल, पर बहुत हद तक इसका लुक कैसा होगा ये सब दिखने लग गया है. ये देखो ये रोड है, वहीं पर था मैं वो उस वाली कार के सामने जहाँ से स्कूटी जा रही है, हाँ वही था. तब मुझे कॉल आया खलीद का कि आजा भाई बहुत तेज़ी से चल रहे हैं. तो हम आ गए और मैं दिखा देता हूँ हमारा क्लासरूम दिखता कैसा है. सो दिस हाउ इट लुक्स लाइक्स. और मेरा भी कॉलेज कंप्लीट होने वाले है. ऑलमोस्ट मैंने सारा कुछ दिखा दिया कि कॉलेज में कैसा होता है, क्या हमारे कॉलेज में कैसा होता है. सो बस इतना ही. अभी वाइवा का टर्न आने वाला है, डर भी लग रहा है और हम जा भी नहीं सकते बाहर. और यहाँ दिखा देता हूँ क्या लिखा है. वेटिंग रूम 10th सेमेस्टर. तो ये इंटर्नशिप का LOR मिल चुका है कॉलेज की तरफ से. और अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैं पास के लिए भी मैंने बताया था. तो ये नॉन AC हर जगह अलाउड है, कॉलेज वाला पास तो बन गया है.
जो कपड़ा पहन के गया था उसी पे फोटो है, और ये पहले वाला ही है, ये मेरा पहले का बना था पर ये यूज़ ही नहीं हुआ लॉकडाउन के था, तो ये वैलिड है पास। और इस तरीके से मेरा सारा काम हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आती है तो लाइक करना, नहीं आती डिसलाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।